कौन कौन सी नमाजों के बाद कजा नमाज अदा की जा सकती है? कजा नमाज अदा करने का एक ही मतलब के एक ही जाब्ता है, तीन ऐसे औकात हैं जाब्ते के मुताबिक, तीन ऐसे औकात हैं जिसमें कजा नमाज अदा नहीं की जा सकती। वो है सूरज जब तुलू हो जाए तो उसके बाद 20 मिनट तक, और सूरज गुरूब होने से पहले की जो 20 मिनट हैं ये, और जो जवाल का वक्त है ज़ाहिर कुबरा का वक्त, ये तीन औकात ऐसे हैं जिसमें कजा नमाज अदा नहीं की जा सकती। बकिया तमाम औकात के अंदर नमाजों से पहले भी, नमाजों के बाद भी, यहाँ तक के नमाज असर के बाद भी कजा नमाज पढ़ी तो जा सकती है, लेकिन उसमें ख्याल ये रखना होगा कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स असर के फर्ज पढ़ने के बाद खड़ा हो गया कजा पढ़ने के लिए, तो अब असर के फर्ज पढ़ने के बाद तो नफिल नहीं पढ़े जाते, तो ला मुहाला जब लोग पूछेंगे तो उसे बताना पड़ेगा मैं तो कजा पढ़ रहा हूँ, तो कजा पढ़ने का इजहार भी गुना है। तो अगर ऐसे औकात में पढ़े तो कुछ छुप कर पढ़े, घर में पढ़े, अलबत्ता औकात मैंने अर्ज कर दिए हैं इन औकात में पढ़ सकता है और इनमें नहीं पढ़ सकता।